आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर साउथी चैनल पर स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के साउथी जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के दिकौली से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर भिनगा बहराइच फोर लेन को जाम कर दिया। जब इसकी जानकारी उप जिला अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्र अधिकारी को हुई तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर जाम हटवाया, जिसके बाद किसानों ने पंचायत शुरू कर दी। सावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के दिकौली का यह पूरा मामला है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा की अध्यक्षता में सड़क जाम किया गया तथा अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत शुरू की गई। अब यहां पर अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाना है। ऐसे आंदोलन नहीं होता है, अगर आंदोलन करना नहीं है तो आप घर पर बैठिए। हम लोगों को पहले धाम लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। आने से तुमको क्या फायदा है, रोड पर बैठिए। क्या इधर उधर खड़े हैं, किसी देखिए किसान परिवार से है, कोई अगर दवा कराने जा रहा है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। एम्बुलेंस है उसको निकालने का काम किया जाएगा। समझे, आप लोग पिछावन पे बैठिए और जोरदार नारा लगाते हुए बाबा महेश Thank you.
सारे लोग आ रहे हैं, आपको वोटिंग चाहिए, रामनाथ को वोट चाहिए, आप लोग थोड़ा बाहर हो जाइए, गाड़ी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए मुसलमान हैं, ज्यादा हो गया तो इसके ज्यादा ओवर खा गए, बहुत भूख लगी है, खाना है खाने जा रहा है, यहाँ नहीं लग रही है, तो कुछ तो खाया होगा, कोई इलाज बता, खाया लोगों ने यहां पर एक पंचायत की और बाद में फिर रोड जाम भी किया था, क्या है पूरा मामला? ये पहले मैं सभी को राम राम बोलता हूं, और मेरा नाम, मैं रामस्वरूप वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के तहत जनपद समस्त, ये किसानों की समस्याओं को लेकर हम 24 तारीख से धरना पे बैठे हुए जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हमारी बातों को, किसानों की समस्याओं को अगर कोई अधिकारी नहीं सुनेगा तो मेरा मजबूर होकर मुझे आज रोड पर फिर से उतरना पड़ा। शासन प्रशासन एक सिस्टम बना रखा है, देखिए जो भ्रष्टाचारी है, लिप्त है, नहर विभाग पानी को लेकर किसान सूखा के वजह से परेशान था, खेतों में पानी नहीं जा रहा है, उसको लेकर बहुत सारे किसान हम पे शिकायत दिया, लिखित पत्र दिया कि अध्यक्ष जी इस नहरों माइनरों में पानी नहीं आ रहा। मैं माइनरों तक गया, व्यवस्था को देखा गया और फिर वो लिखित में डीएम महोदय को, एडीएम साहब को पंचायत करके अवगत कराया गया और नहर विभाग के अधिशासी अभियंताओं को साथ में बैठा कर वार्ता करने के लिए तैयारी की गई। लेकिन 23 तारीख को जब वार्ता हुई उस समय संतोषजनक वार्ता नहीं हो सकी, इसलिए फिर हम 24 तारीख को धरना पे बैठ गए और आज मैं चौथा दिन बैठने के बाद में कोई प्रशासन शासन का कोई भी व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुना, इसलिए मुझे मजबूर होकर रोड पे उतरना। आगे की बात ये रही, चेतावनी है, किसान की समस्याओं को फौरन नज़रअंदाज ना करें अन्यथा फिर रोड को पूरे जिले के अंदर जाम किया जाएगा। ये कान खोलकर शासन प्रशासन सुन ले, ये जब इन तक पहुंचते हैं हम वार्ता करने के लिए, बात अपनी रखते हैं तो धमकी देते हैं, जैसे एडीएम साहब वो तो एक ऐसा जैसे गवर्नर बोल रहा हो, जनता की बात नहीं सुनेगा। हम बात आप तक कहने आए हैं, हम किसानों की समस्याओं को लेकर आए हैं, समस्याओं को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आवाज़ स्त्री के ढोल नगारा बजा कर मैं सुनाऊंगा और धरना प्रदर्शन भी करेगा। बत्ती कटाई दे और बत्ती बिल फिरावा है। अच्छा, कितना आया है? आवा है 20,000। अच्छा, कितने दिन पहले आपने कटवाया था बत्ती? साल भर हो गया। लेकिन अभी तक बत्ती नहीं कटा? नहीं कटेगा। हाँ, बिजली बिल आ रहा है? हाँ, बराबर बत्ती बिल आ रहा है।